एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ एमेनोरा मॉल और आज मैं आप सब के साथ एमेनोरा मॉल के फुल टूर का वीडियो शेयर करूंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हियर इज द एंट्रेंस ऑफ एमेनोरा मॉल। ये इस मॉल का मेन एंट्रेंस और एग्जिट एरिया है। मॉल को रीरेनोवेट किया जा रहा है और रीरेनोवेट करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इस मॉल को आधा रीरेनोवेट कंप्लीट हो गया है और बैक साइड का जो एरिया है उसका अभी बाकी है, काम चालू है। तो ये इसका जो फ्रंट एरिया है उस पर तो सारा काम कंप्लीट हो गया है और ये बिल्कुल से नया वाला एमेनोरा मॉल ये आपको मैं दिखा रही हूँ। जो भी है स्टार्टिंग में जैसा था अभी इसको चेंज करके ऐसा बना दिया है इन्होंने। तो ये वाला लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे पहले जो था वो भी बहुत अच्छा था, बट इसको देखने के बाद तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी वहाँ पे खड़े होने पे। चलिए अब अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे नीचे जाने के लिए स्टेयर्स है और ऊपर आने के लिए एस्केलेटर दिया हुआ है, तो अभी यहाँ से तो स्टेयर्स से ही जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं और अंदर की तरफ दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी चेकिंग हुई और सबसे पहले अंदर जाते ही यहाँ पे आपको डीकैथलॉन दिखेगा। डीकैथलॉन स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स के लिए फेमस होता है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि स्पोर्ट्स की हर एक चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल होती है, तो आप वहाँ पे जो भी आपको चाहिए होता है तो आप वहाँ पे जाके ख़रीद सकते हैं। मॉल के अंदर आते ही आपको एक बड़ी सी लॉबी दिखेगी और ये बहुत ही ज़्यादा एरिया पे बनी हुई है। यहाँ पे तो पैदल चलते चलते ही थक जाते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि हर एक चीज़ कवर करूँ इस वीडियो पे। ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ। और यहाँ पे है एट होम। एट होम तो सबको पता ही है, देख मैं जैसे दिखा रही हूँ आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे घर की ही चीज़ें मिलने वाली हैं। और यहाँ पे क्रॉकरी सेट और लिविंग रूम एरिया के लिए जो भी फर्नीचर चाहिए सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं और अच्छी क्वालिटी की होती हैं। और यहाँ पे आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा इसके नीचे जाने पे। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर की तरफ। अभी मैं बेसमेंट में थी, अब मैं इसके ग्राउंड फ्लोर पे जा रही हूँ। तो ग्राउंड फ्लोर पे चलिए दिखाती हूँ क्या क्या है। मुझे ना ये वॉल बहुत अच्छी लगी जो एस्केलेटर के नीचे लगी हुई है और मैं इनके फर्स्ट फ्लोर पे आ गई हूँ। सबसे पहले मुझे स्टारबक्स दिखता है, आपको तो पता ही होगा यहाँ की कॉफ़ी फेमस है। चलिए अब राइट साइड पे जा चलते हैं। और राइट साइड पे इनका ये फर्स्ट वाला, पता नहीं इन्होंने ये वाला गेट बंद करके रखा है, तो यहाँ से जाना पड़ता है घूम करके। ये एजॉर्टे एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अच्छी अच्छी ड्रेसेस मिलती हैं यार। अगर ये व्लॉग कोई गर्ल्स देख रही है ना तो एजॉर्टे की ड्रेसेस ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं और अफोर्डेबल भी होती हैं। 1000 to 1500 में काफ़ी अच्छी ड्रेस मिल जाती है। बहुत महंगा नहीं बोलूँगी क्योंकि महंगा तो मिलता ही है, साथ में 1000-1500 की भी ड्रेसेस मिल जाती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगी। और साइड में है वेस्ट साइड में भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं यार। क्लोथिंग मटेरियल के लिए तो वेस्ट साइड और रिजॉर्टे बेस्ट है। और ये देखो यार मेडलाइन, इसकी तो पेस्ट्री इतनी टेस्टी होती है, इतनी अच्छी रहती है। मैं जब भी जाती हूँ ना तो ज़रूर ट्राई करती हूँ। यहाँ की पेस्ट्री, केक्स और ब्राउनी सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। पार्किंग भी आपको मिल जाएगी, मॉल है तो ऑब्वियस सी बात है पार्किंग होगी ही। सो इसका टिकट चार्जेस बता देती हूँ। इसके टिकट की चार्जेस हैं 4-व्हीलर के लिए 30 रुपीज़ एंड 2-व्हीलर के लिए 20 रुपीज़। अब मैं जा रही हूँ मॉल के ईस्ट ब्लॉक तरफ। ईस्ट ब्लॉक में आपको ग्राउंड मिल जाएगा। बेसिकली ये ग्राउंड बिल्कुल सेंटर पे बना हुआ है, आधा मॉल इधर आधा मॉल उधर, एकदम डिवाइड है। बीच में आपको मिल जाएगा ये बड़ा सा ग्राउंड। यहाँ इस ग्राउंड में होते हैं बहुत सारे इवेंट्स और अगर आपको यहाँ के इवेंट्स इंजॉय करना है ना तो आप ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन बुक करिए, टिकट्स वहाँ पे मिल जाती हैं। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। ये देखो भाई, अभी मैंने एक बाइक का दिखाया ना शोरूम, वो भाई इतनी अच्छी बाइक थी, वो इतनी अच्छी बाइक लग रही थी। सच बताऊँ मुझे बाइक चलानी तो आती है, चलानी भी आती है, पर चलाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा आता है बाइक के पीछे बैठ करके घूमने में। तो ये है बड़ा सा ग्राउंड, अ बिग ग्राउंड ऑफ एमेनोरा मॉल। तो चलिए अभी तक तो आधा मैंने मॉल को का ये व्यू कंप्लीट कर दिया है और अब मैं इसके आगे का वीडियो दिखा देती हूँ। ये देखिए भाई, ये इतनी सारी ब्रांड्स हैं। सारे ब्रांड के अंदर जा के तो नहीं दिखा पाऊँगी, बट यहाँ पे मॉल कैसा दिखता है उसका पूरा व्यू आप घर बैठ करके ले सकते हैं। आपको यहाँ अगर नहीं भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़,
कि अगर आप ये मॉल में आ रहे हो तो एक बॉटल पानी और थोड़ा सा कुछ खाने पीने की चीज़ें अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि फूड कोर्ट आपको मिलेगा सबसे ऊपर, और वहाँ तक जाते जाते उस वहाँ तक जाने से पहले ही आपको भूख लग जाने वाली है, प्यास लगने वाली है, तो आपको थोड़ा बहुत अपने पास सामान रखना चाहिए खाने पीने का। अब जैसे ही आप इसके अंदर आओगे ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे हेमलेस दिखेगा। भाई पेरेंट्स वाले लोग बच के जाना, हेमलेस दिखा मीन्स बच्चे तो सीधे वहीं गए अंदर घूमने, ये टॉय चाहिए वो टॉय चाहिए, बच के जाना, पहले से देख लो कहाँ पे क्या है और फिर उस हिसाब से जाओ और जाके ख़रीदो, कम थकान होगी। ये व्लॉग तो पूरा देख के जाना ताकि पता चल जाए कौन सी शॉप कहाँ पे है, तो जाके सीधे वो वाले शॉप पे शॉपिंग करो और फिर फ्री हो जाओ। जब हम ईस्ट ब्लॉक पे आते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि एक बड़ी सी लॉबी होगी, वहाँ पे एक दो शॉप्स हैं और फिर इसके बाद आपको ये बड़ा सा एक हॉल टाइप का एरिया दिखेगा। सेंटर पे ये एक इस टाइम पे स्टैचू बना हुआ है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, कभी जो भी ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं और जो भी उनको बनाना होता है तो वहाँ पर वो सेट करते हैं। और साइड साइड पर सारी शॉप्स हैं और शॉप्स के कॉर्नर पर ही तीन रास्ते में तीन जगह गई हुई है और दूसरी शॉप्स पे जाने के लिए। तो ये है पूरा मॉल, देख लो ऐसा बना हुआ है। चलो अब एक एक करके मैं हर जगह पे आपको ले जाती हूँ। तो सबसे पहले आपको कहाँ ले जाऊँ, चलो देखते हैं, चलो वाइल्ड क्राफ्ट तरफ चलते हैं। अभी मैं वाइल्ड क्राफ्ट की तरफ आ गई हूँ और ये देखो इधर से ये कुछ ऐसा दिख रहा है। वीडियो को पूरा डिटेल से दिखाने के लिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, पर कोई नहीं, आप इंजॉय करो ये वीडियो और फिर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं, और आपको आगे किस तरह की वीडियो चाहिए। और मॉल का अगर फुल टूर लेना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, पूरा देख लो, सारा कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो पे। और यह है इसका ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर यहाँ पास इसका कंप्लीट हो जाता है और उस तरफ है उसका एग्ज़िट और एंट्री एरिया। यहाँ से भी आप बाहर जा सकते हैं और जिधर से ये ट्रेंड्स और जूडियो की शॉप दिख रही है आपको, ये है इसका नॉर्थ साइड का एंट्रेंस एरिया। एमेनोरा मॉल पुणे के हड़प्सर एरिया में पड़ता है और एमेनोरा के जस्ट सामने सीजन्स मॉल भी मिल जाएगा। पुणे के दो बड़े मॉल्स एक साथ आमने सामने आपको आसानी से मिल जाएंगे। सुबह 10 बजे के करीब ये मॉल ओपन होता है और रात में 11 बजे तक ये मॉल बंद हो जाता है। वीकेंड में ये मॉल बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है और बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो जाता है, और वीकडेज़ पे आप जैसे कि देख रहे हैं थोड़ा खाली खाली सा है, तो ये वीकडेज़ पे ऐसे ही रहता है। इस मॉल में आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे और जब ये पूरी तरह से बन जाएगा तो इसमें और भी स्टोर्स ऐड होने वाले हैं। तो मैंने छोटी मोटी सारी चीज़ें बता दी हैं जो भी मुझे मालूम था इस मॉल के बारे में। अगर और भी कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आप उसका रिप्लाई दे दूँगी पक्का पक्का पक्का। और फिर इसके बाद चलो भाई इंजॉय करो, मोमोसो स्टोर भी है यहाँ पे, देख लो। मुझे मिनी सो बहुत पसंद है, मोमोसो तो मैं गई नहीं हूँ बट मुझे मिनी सो अच्छा लगता है, उसमें बहुत क्यूट क्यूट सी चीज़ें मिलती हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। और दूसरा व्लॉग किस चीज़ पे चाहिए कॉमेंट कर दीजिए।